तुमने ही बोला था ना कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, तुमने ही बोला था राम भगवान काल्पनिक है, तुमने ही हमारे राम सेतु पर सवाल उठाए थे, तुमने ही हमारे कार सेवकों पर गोली चलवाया था, तुमने ही बोला था कि भैया आंशिक मुस्लिम राष्ट्र है ये, मुसलमानों का सबसे पहला हक संसाधनों पे, तो इतना सब करने के बाद तुम किस मुंह से जाओगे? विपक्ष को निमंत्रण जा रहा है लेकिन जाने के लिए ममता बनर्जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जाने के लिए तैयार नहीं है, तो वो इस वजह से नहीं है ना, उन्हें धर्म से रिलेटेड कोई बात करनी भी नहीं है। और उन्होंने जब इतने सालों से हमारे लिए मतलब राम मंदिर के लिए, राम जी के लिए कुछ सोचा नहीं, तो अब उनका जाने का मुझे तो नहीं लगता है कि उन्हें जाना भी चाहिए। राम भगवान का तीर है ना, वो अब सबसे पहले कांग्रेस के पिछवाड़े में घुसने वाला है। दर्द हो रहा है आपके सीने में, दर्द हो रहा है क्या? जो दर्द किस बात का है यार, अब ये मतलब सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है ना, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है ना, लेकिन आज तो वहाँ सरकार सुप्रीम है, वहाँ बाबरी मस्जिद का सुप्रीम है, आज तो सरकार सुप्रीम है। कौन सा कोर्ट मायने रखता पता है? वो चाइना जो इनके अब्बा शी जिनपिंग है ना, वो कुछ बोल देंगे तो ही मान जाएंगे, वहाँ का संविधान इनके लिए बहुत अच्छा है। हमारे भारत का ना ईडी मानेंगे, ना सीबीआई मानेंगे, ना सेबी मानेंगे, ना एसबीआई मानेंगे, ना कोर्ट मानेंगे, ना कुछ मानेंगे, ये कुछ नहीं मानते, इनको सिर्फ चाइना का और जॉर्ज सोरस का। जुलाई 5, 2005 की मैं बात कर रहा हूँ, रामलला भगवान के ऊपर अटैक हुआ था, बताओ आप कोई भी बताए किसने बचाया रामलला को, बताइए, कुछ नहीं पता। तो अब ये कह रहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे ही नहीं, अरे वो किस मुंह लेके जाओगे? तुमने ही बोला था ना कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, तुमने ही बोला था राम भगवान काल्पनिक है, तुमने ही हमारे राम सेतु पर सवाल उठाए थे, तुमने ही हमारे कार सेवकों पर गोली चलवाया था, तुमने ही बोला था कि भैया आंशिक मुस्लिम राष्ट्र है ये, मुसलमानों का सबसे पहला हक संसाधनों पे, तो इतना सब करने के बाद तुम किस मुंह से जाओगे? जो राम भगवान का तीर है ना, वो अब सबसे पहले कांग्रेस के पिछवाड़े में घुसने वाला है ये लोग का, अब कुछ नहीं चलने वाला। और अगर गए ना ये लोग तो इससे ये लोग इसीलिए भी नहीं जाएंगे कि भैया मैं किस मुंह लेके जाऊंगा राम मंदिर में, राम मंदिर में गया तो सारी जनता ये बोलेगी कि भैया बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया उसमें कांग्रेस आ रही है, तो ये लोग जानते हैं कि भैया इससे बीजेपी को फायदा होने वाला है, इसीलिए नहीं जा रहे। हाँ बिल्कुल है, हाँ है, हाँ है। 70 साल तक सुप्रीम कोर्ट थी नहीं थी, 70 सालों तक वकील थे नहीं थे, सोनिया गांधी ने लगवाया 24 वकील, फैसला दिया उसने, आस्था का विषय उठाया, उससे पहले का जज कोई आस्था का विषय नहीं उठाता था, आस्था का विषय उठाकर दर्द हो रहा है आपके सीने में, दर्द हो रहा है क्या? जो दर्द किस बात का यार, अब ये मतलब सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है ना, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है ना, लेकिन आज तो वहाँ सुप्रीम, वहाँ बाबरी मस्जिद का सुप्रीम है, आज तो सरकार सुप्रीम है। कौन सा कोर्ट मायने रखता पता है? वो चाइना जो इनके अब्बा शी जिनपिंग है ना, वो कुछ बोल देंगे तो ही मान जाएंगे, वहाँ का संविधान इनके लिए बहुत अच्छा है। हमारे भारत का ना ईडी मानेंगे, ना सीबीआई मानेंगे, ना सेबी मानेंगे, ना एसबीआई मानेंगे, ना कोर्ट मानेंगे, ना कुछ मानेंगे, ये कुछ नहीं मानते, इनको सिर्फ चाइना का और जॉर्ज सोरस का पसंद आता है। तो अब भारत वो कांग्रेस वाला भारत नहीं है, यहाँ जो चलेगा वो संविधान के हिसाब से चलेगा, हमारे राम राज्य के हिसाब से चलेगा। रामलला पे मैं इन दोनों को बताऊंगा, जुलाई 5, 2005 की मैं बात कर रहा हूँ, रामलला भगवान के ऊपर अटैक हुआ था, बताओ आप कोई भी बताए किसने बचाया रामलला को, बताइए, कुछ नहीं पता। 2005 आतंकी हमला जब रामलला अयोध्या में हुआ, सीआरपी के जवान थे जिन्होंने उस रामलला को बचाया था, देश की संसद पे अटैक हुआ 2001 13 दिसंबर, किसने बचाया? सीआरपी के जवानों ने बचाया। इस राष्ट्र की जो झंडा है उसकी कौन रक्षा कर रहा है? सीआरपी बीएसएफ, जिसको पहली गोली लगती है। बहुत भाई साहब ये कह रहे हैं कि हमारी मनसा होगी जाएंगे, नहीं मनसा होगी नहीं जाएंगे। एक चीज मैं कांग्रेस के लिए बोलना चाहूंगा, जितने भी लोग बोल रहे हैं ना भैया कि जितने भी लोग ये गाना गा रहे हैं कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, 70 सालों तक राज किया था, पास तुम्हारे मौका था, 70 सालों तक राज किया था, पास तुम्हारे मौका था, तुम भी बनवा देते राम मंदिर, किस बाबर ने रोका था? जय श्री राम। तुम्हारे पास भी तो था ना मौका, तब भी सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे पास थी, तभी भी ईडी सीबीआई थी, सब कुछ तो वो जितने भी तंत्र है वो सब तुम्हारे पास भी तो थे, तुमने जिस तरीके से 24 वकील लगाए ये साबित करने में कि भैया राम भगवान अस्तित्व में नहीं है, राम भगवान काल्पनिक है, उसी हिसाब से 24 वकील लगवा देते राम भगवान को सही साबित करने में, लेकिन नहीं लगवाया ना, वो काम किस तरह? ताला तो हमने खुलवाया था। ताला क्यों खुलवाया था, उसके पीछे का इतिहास नहीं बताओगे? जब हमारे संविधान को कुचलते हुए राजीव गांधी ने शाहबानो केस में शरिया लागू कर दिया, तो हिंदू जनता जो गुस्साई हुई थी उसको शांत करने के लिए ताला खुलवाया था, ताला खुलवाने के बाद इन्होंने कुछ कार्यवाही की,
राम मंदिर तुड़वाया, ये मस्जिद तुड़वा के वहाँ राम मंदिर बनवाया, नहीं बनवाया ना। जो भी कुछ हुआ है भैया बीजेपी में हुआ, ज्ञानवापी की बात बीजेपी में चल रही है, ईदगाह की बात भाजपा में चल रही है, मथुरा की बात भाजपा में चल रही है। अरे भैया जो हमारे हित की बात है वो तो बीजेपी कर रही है, तुम तो सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम करने में बिजी थे और आज बीजेपी आई है वो हिंदू मुसलमान दोनों कर रही है, तो इनको दर्द हो रहा है। तो भैया ये दर्द होना चाहिए, अभी दो सिटी और बढ़ेगी जब हमारे ईदगाह पे मंदिर बनेगा। राम मंदिर को लेकर क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि राम मंदिर पे जाना चाहिए, और जो राम जी के लिए हमने मतलब राम जी ने जो तंबू में जो दिन काटे हैं इतने साल, तो मेरे हिसाब से तो अब उन्हें भव्य मंदिर में विराजमान रहना चाहिए, और वो हमारे मतलब ये कह सकते हैं कि वो हमारे लिए आस्था है, हमारा धर्म है, उन्हीं से है। मैं तो यही कहूँगी कि हाँ मैं उनके उद्घाटन में अपने घर पर तो दिए जरूर जलाऊँगी, और बहुत अच्छे से दिवाली जैसा जैसे दिवाली पर आए हैं राम जी, इस बार फिर आएंगे तो दिवाली हमारे यहाँ फिर से मनेगी। विपक्ष को निमंत्रण जा रहा है लेकिन जाने के लिए ममता बनर्जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जाने के लिए तैयार नहीं है, तो वो इस वजह से नहीं है ना, उन्हें धर्म से रिलेटेड कोई बात करनी भी नहीं है, और उन्होंने जब इतने सालों से हमारे लिए मतलब राम मंदिर के लिए राम जी के लिए कुछ सोचा नहीं, तो अब उनका जाने का मुझे तो नहीं लगता कि उन्हें जाना भी चाहिए। जब उन्होंने इतने सालों से कुछ नहीं सोचा तो इसमें तो जो राम जी के लिए चाहते हैं, जो राम जी के लिए देखना चाहते थे उस मंदिर में, वही जाने चाहिए, और अपने घर पर जो नहीं जा पा रहे हैं वो दिवाली अपने घर पर मनाएं। और उनके लिए बस यही है मेरा कि मैं जब मेरा तो मन ये है कि जब वो वहाँ पर अभी नहीं जा सकती मैं, वहाँ पर लोग कह रहे हैं भीड़ ज़्यादा ना करें वहाँ पर, लेकिन जब भी वहाँ पर मेरा जाने का होगा तो मैं सबसे पहले वहीं पर जाऊँगी। मैडम ये भी कहा जाता है ना कि सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो भूला नहीं, भूला नहीं कहते, सही बात है, तो भूला हम नहीं है ना। अच्छा विपक्ष वाले अगर वो आना चाहे तो राम जी उनके लिए भी बिल्कुल हम सबके लिए बराबर हैं, वो आएंगे तो हमें और अच्छा लगेगा विपक्ष के लोग भी वहाँ आए। क्या नाम हुआ भाई साहब, कहाँ से आप? विजय नाम है मेरा, विजय नाम है। विजय, राम राम मंदिर को लेकर के कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, खुशी है हमें तो खुशी है, लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने तो कुछ नहीं होता, बन गया बस खत्म बात। देश में राम मंदिर बन रहा है यह बहुत खुशी और गर्व की बात है, मगर राम मंदिर बनने से पहले देश में गोहत्या पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो 2014 से पहले भारत पांचवें नंबर था बीफ एक्सपोर्ट में, आज भारत प्रथम स्थान पर है बीफ एक्सपोर्ट में, 24 लाख टन प्रतिवर्ष गो मांस का निर्यात हो रहा है, तो गोहत्या पे पहले प्रतिबंध लगाना चाहिए, उसके बाद में राम मंदिर की बात करो। आप हिंदू राष्ट्र की बातें करते हो और गाय को गाय पे छुरी चलाने का काम कर रहे हो, तो मुंह में राम बगल में छुरी ये काम नहीं चलेगा, ये पाखंड। गोहत्या पे पूर्ण प्रतिबंध। क्या गाजियाबाद, गाजियाबाद से आया हूँ मैं अभी। अच्छा तो क्या लगता है कि राम मंदिर को लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक है? राम मंदिर कैसे राजनीतिक है? जब से अब एक चीज बताओ, इतने टाइम से बना नहीं था तब तक राजनीतिक नहीं था, अब बन गया तो राजनीतिक हो गया। अगर राजनीतिक था पहले से ही तो फिर पहले ही बनवा देते, कुछ किया उन्होंने, उल्टा वकील खड़े कर रहे हैं। तो राजनीतिक था तो तब बनवाया क्यों नहीं, वो भी तो राजनीतिक मुद्दा ही था। और सिंस मैं पहले टाइम वोटर हूँ तो मैं तो यही कहूँगा भैया कि देखो मैं कांग्रेस को वोट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि अब देखो आप देश की अखंडता होती है ना 370, तो 370 का विरोध क्यों कर रही है कांग्रेस? क्या रीज़न है उसका कि 370 एकदम से हटा दिया गया, उसका तो विरोध कर रही है। प्रतिष्ठा में मोदी क्यों कर रहे हैं, किसी और बढ़िया आदमी से करा देते? अब एज ए PM कर रहे हैं, मतलब और भी लोग कर सकते हैं पर वो PM है तो इस वजह से कर रहे हैं। पर जैसे आप देख रहे हैं ना कि जैसे कांग्रेस बोल रही है कि राजनीति हो रही है, हमें वो इन्विटेशन दिया, जैसे बुलाया है तो कह रहे हैं राजनीति। अगर भाई साहब चलो बुलाया उन्होंने एज ए PM, उन्होंने आपको इन्वाइट किया, अगर नहीं करते तो फिर ये कहते भाई हम आप लोग समझ रहे हैं आपका राम मंदिर है ये वो है, तो उन्होंने इन्वाइट किया है ना सबको, तो मंदिर की जगह उनको हॉस्पिटल बना देना चाहिए ना। अब भैया मंदिर भी तो एक है, मतलब एज अ मतलब आप पूजा वूजा तो करते ही है ना, तो मंदिर भी अपनी जगह है और मतलब वो हॉस्पिटल भी अपनी जगह है, सब चीज़ें होनी चाहिए, पर एक मंदिर बहुत टाइम से इतने सालों से चलता आ रहा है तो करना चाहिए ना भैया।